हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एनएसपी लर्निंग हब, बिकॉज़ लर्निंग इज लाइफ। हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी स्टडी क्लास 10 साइंस चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर इन एमसीक्यू फॉर्मेट्स। फ्रेंड्स, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज बेकिंग सोडा इज अ मिक्सचर ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड एसिटिक एसिड, सोडियम कार्बोनेट एंड टार्ट्रिक एसिड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड टार्ट्रिक एसिड या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड एसिटिक एसिड, विच इज करेक्ट। सो द एक्सप्लेनेशन इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बिकॉज द फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा इज NaHCO3 एंड इट इज द मिक्सचर विद द टार्टरिक एसिड। ऑप्शन सी इज करेक्ट। व्हेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद टार्टरिक एसिड इट गिव्स एच आयन एंड दे फॉर्म्स द सॉल्ट ऑफ दिस एसिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से हमारा केक वगैरह फ्लफी बनता है और वाटर। स्टूडेंट्स, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ द क्लोर एल्कली प्रोसेस, NaOH, Cl2, H2, ऑल ऑफ द एवर। सो फर्स्ट यू हैव टू नो व्हाट इज क्लोर एल्कली प्रोसेस। When we pass electricity to the aqueous solution of brine, which is sodium chloride solution, NaCl plus H2O aqueous solution, 2NaCl plus 2H2O gives 2NaOH plus Cl2 plus H2 gas. It is called chlor-alkali process. So option D is correct, because NaOH, Cl2 and H2 gas तीनों ही इसमें बनती है। स्टूडेंट्स, अवर थर्ड क्वेश्चन इज इफ 10 ml ऑफ H2SO4 इज मिक्स्ड विद 10 ml ऑफ MgOH होल ट्वाइस ऑफ द सेम कंसंट्रेशन, द रिजल्टेंट सॉल्यूशन विल गिव द फॉलोइंग कलर विद द यूनिवर्सल इंडिकेटर। इट मीन्स जब हम H2SO4 को मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाएंगे तो इनके सॉल्यूशन जब सेम कंसंट्रेशन के तो हमें कौन सा कलर मिलेगा, रेड मिलेगा, ग्रीन मिलेगा, ब्लू मिलेगा या येलो मिलेगा, बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक है। चलिए देखते हैं, जब हम H2SO4 की रिएक्शन कराते हैं MgOH के होल ट्वाइस के साथ, यानी कि H2SO4 आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है जबकि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपका बेस है, और हमें पता है जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट बनता है जो कि न्यूट्रल होता है, यानी कि आपका यहाँ पर MgSO4 सॉल्ट बनेगा प्लस 2H2O वाटर बनेगा, यानी MgSO4 जो सॉल्ट बना है वो न्यूट्रल है, और जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है वो न्यूट्रल सॉल्यूशन में हमेशा ग्रीन कलर देता है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो स्टूडेंट्स, अवर फोर्थ क्वेश्चन इज फिजिकली चैलेंज्ड स्टूडेंट हैज टू परफॉर्म अ लैब टेस्ट टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एसिड इन अ गिवन सॉल्यूशन, द एसिड बेस इंडिकेटर प्रिफर्ड बाय हिम विल बी ब्लू लिटमस, ग्लोब ऑयल, रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट और हिबिस्कस एक्सट्रैक्ट। तो विजुअली चैलेंज स्टूडेंट है, इट मीन्स वो देख नहीं सकता, उसको किसी गिवन सॉल्यूशन में एसिड को पहचानना है कि वो एसिड है या बेस है, तो उसको कौन सा इंडिकेटर दिया जाएगा, ब्लू लिटमस दिया जाएगा, ग्लोब ऑयल दिया जाएगा, रेड कैबेज या हिबिस्कस। तो उसको जो दिया जाएगा वो ग्लोब ऑयल दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा, क्योंकि ब्लू लिटमस, रेड कैबेज और हिबिस्कस तीनों ही जो होती हैं वो कलर चेंज करती हैं,
और क्योंकि वो स्टूडेंट विजुअली चैलेंज है तो वो कलर चेंज नहीं देख सकता, उसको क्लॉप ऑयल दिया जाएगा क्योंकि क्लॉप ऑयल जो है वो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर है। जिससे स्मेल से वो पता कर लेगा कि वो एसिड है या बेस। जो क्लॉप ऑयल है वो एसिड में, तो वो आपका क्लॉप ऑयल की स्मेल देगा, बट बेस में ये स्मेल जो होगी डिसअपीयर हो जाएगी, यानी उसको ये स्मेल स्मेल नहीं आएगी। तो इसका मतलब वो आपको कौन सा देगा, क्लॉप ऑयल, जो कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है। स्टूडेंट्स अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑल्सो कॉल्ड पीओपी, CaSO4 into 2H2O, CaSO4 into H2O, CaSO4 into half H2O और 2CaSO4 और H2O। तो कौन सा ऑप्शन सही है? इसका ऑप्शन सही है बी, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेटेड, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेटेड। जब जिप्सम में हम वाटर मिला देते हैं, पीओपी में हम वाटर मिला देते हैं, तो ये जिप्सम में चेंज हो जाता है। तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट आपका जिप्सम कहलाता है, जबकि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट आपका पीओपी कहलाता है। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 इज, हाउ विल यू टेस्ट फॉर द गैस विच इज लाइब्रेटेड व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट मीन्स HCl रिएक्ट विद द एक्टिव मेटल, हाइड्रोजन गैस, सल्फर गैस, ऑक्सीजन गैस और नन ऑफ दीज। तो कौन सी गैस निकलती है जब कोई मेटल HCl से ज्यादा रिएक्शन करती है? हाइड्रोजन गैस। कैसे एक्सप्लेन करती है? मान लो Na मेटल है, जब ये रिएक्ट करती है HCl के साथ तो ये बनाती है NaCl सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिमूव होती है। इसको बैलेंस करने के लिए हम इसको 2:2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसमें सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो हाइड्रोजन गैस निकलती है जो, तो उसको हम कैसे टेस्ट करेंगे, लिख रहे हैं ना, हाउ विल यू टेस्ट। तो जब हम हाइड्रोजन गैस, जो गैस निकल रही है उसके सामने हम जलती हुई माचिस की तीली लेकर आते हैं तो वो पॉप साउंड देती है, जिससे ये पता लग जाता है कि ये हाइड्रोजन गैस है। स्टूडेंट्स अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू व्हेन HCl गैस passes through the water। जब HCl गैस को हम वॉटर में पास करते हैं तो क्या होता है? इट डज नॉट आयोनाइज इन द सॉल्यूशन एज इट इज अ कोवेलेंट कंपाउंड, इट आयोनाइजेस इन द सॉल्यूशन, इट गिव्स बोथ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयन इन द सॉल्यूशन, इट फॉर्म्स हाइड्रोनियम आयन्स, हाइड्रोनियम आयन होते हैं H3O आयन इन द सॉल्यूशन ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड वॉटर मॉलिक्यूल। ऑप्शन वन इज ओनली वन फर्स्ट इज राइट, ऑप्शन बी इज ओनली थर्ड इज राइट, ऑप्शन सी इज सेकेंड एंड फोर्थ इज राइट एंड क्वेश्चन डी इज थर्ड एंड फोर्थ इज राइट, विच इज द करेक्ट ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, सेकेंड एंड फोर्थ। सेकेंड क्या है? इट आयोनाइज इन द सॉल्यूशन, यानी कि जब हम HCl को वाटर में करते हैं तो पहले तो HCl H आयन प्लस Cl आयन में डिवाइड होता है, फिर ये वाटर के मॉलिक्यूल के साथ जुड़कर फिर से क्या बना देता है? हाइड्रोनियम आयन। यानी कि सेकेंड एंड फोर्थ इट फॉर्म्स हाइड्रोनियम आयन इन द सॉल्यूशन ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड वॉटर मॉलिक्यूल। So option C is correct. So students, our next question is, which of the following observation true about the dilute solution of acetic acid? It smells like vinegar and turn red litmus blue. It smells like onion and turn blue litmus blue. It smells like orange and turn red litmus into blue. And it smell like vinegar and turns blue litmus red.
कौन सा ऑप्शन हो सकता है? देखिए ये एसिटिक एसिड है यानी कि CH3COOH जो कि आपका एक वीक एसिड होता है, लेकिन एसिड तो है, तो एसिड क्या करता है, हमेशा ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करता है। तो ब्लू लिटमस रेड में और कोई किसी ऑप्शन में नहीं है, यानी कि आपका क्वेश्चन ऑप्शन डी सही है। और इसकी स्मेल भी आपकी कौन सी होती है, विनेगर वाली, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 इज टू प्रोटेक्ट टूथ डिकी वी यूज टू एडवाइज द ब्रश अवर टीथ रेगुलरली। द नेचर ऑफ द टूथपेस्ट इज कॉमनली यूज्ड इज एसिडिक, बेसिक, कोरोसिव और न्यूट्रल। कौन सा नेचर होता है टूथपेस्ट का? इट्स आंसर इज बेसिक, बिकॉज बेसिक नेचर ऑफ टूथपेस्ट यूटिलाइज द एसिड कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया इन द माउथ एंड इट न्यूट्रलाइज्ड इट, सो अवर टीथ इज फ्री फ्रॉम द टूथ डिके। स्टूडेंट्स नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन आर टेकन इन टू टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। H2SO4 इज एडेड टू टेस्ट ट्यूब ए एंड H2CO3 इज एडेड टू द टेस्ट ट्यूब बी इन इक्वल अमाउंट्स। आइडेंटिफाई द टेस्ट ट्यूब शोइंग द विग्रस रिएक्शन, यानी सबसे जल्दी रिएक्शन किसमें होगी, टेस्ट ट्यूब ए में, टेस्ट ट्यूब बी में, दोनों ही में एक सी होगी या किसी में नहीं होगी? तो क्या होगा इसका आंसर? रिएक्शन कराते हैं हम मैग्नीशियम की, अगर हम H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम सल्फेट, और क्या बनेगा हमारा, हाइड्रोजन गैस रिमूव होगी इसमें। और अगर हम मैग्नीशियम की H2CO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो MgCO3 बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो हमें पता है कि H2SO4 जो है वो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ज्यादा सबसे ज्यादा रिएक्शन किसमें होगी, हमारी H2SO4 के साथ, यानी टेस्ट ट्यूब ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।